कर्नाटक राज्य में जैन संत आचार्य रामकुमार नंदी मुनिराज की हत्या के विरोध में खातेगांव नगर बंद कर विरोध जताया गया। इस दौरान बड़े जैन मंदिर से मौन रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कर्नाटक राज्य में जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी मुनिराज की हत्या के विरोध में भारत बंद का आयोजन एवं जैन तीर्थ क्षेत्रों पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने सहित विभिन्न मांगों को पूरा कराने को लेकर खातेगांव नगर को बंद रखकर सर्वधर्म समाज ने विरोध किया। इस दौरान बड़े जैन मंदिर से मौन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिला, युवा और बुजुर्ग अपने हाथों में तख्तियां लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी मुनिराज का अपहरण कर उनकी हत्या करके शव को टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल एवं अन्य स्थानों में फेंक दिया गया था, जिसका भारत की संपूर्ण जैन एवं अहिंसक सर्व समाज घोर भर्त्सना करती है एवं इस घटना के विरोध में अपना निंदा प्रस्ताव पारित करती है और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करती है। कर्नाटक में जिस प्रकार एक अहिंसक जैन समाज के संत की हत्या की गई, जिसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, ट्यूबवेल और अन्य जगहों पर लाश को बिखरा दिया गया, उसके समर्थन में आज जैन समाज के साथ हम लोगों ने एसडीएम को माननीय राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और सारा मानव समाज इस घटना की निंदा करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा कराने की मांग करता है। जैन संत की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई, जिससे हिंदुस्तान के जैन संतों के साथ साथ संपूर्ण संत समाज दुखी है, द्रवित है और उस हत्या के विरोध में उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज संपूर्ण जैन समाज हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरा है और शासन प्रशासन से मांग की है कि इसको प्रकरण को फास्ट ट्रैक में चलाकर सीबीआई जांच कराकर दोषियों को अतिशीघ्र कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।